ओ ओके, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम आपको याद रख लेना चाहिए होगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द सिंपलर वंस एंड जो मीनिंग रखता है। क्विक सॉर्ट ये कैसे करते हैं? मान लो ये वाली एक एरे है जिसे मैंने सॉर्ट करना है। इसे आपको समझना होगा, ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट होता है ना, कॉर्नर वाला एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड दी पिवट एलिमेंट। इसे पिवट एलिमेंट कहते हैं। तो अगर कोई आपको क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम पूछता है, और लेट अस से वर्स्ट केस में आपको ये एल्गोरिथम भूल जाता है, आपको ये भूल ही गया एल्गोरिथम, तो आप पिवट एलिमेंट का नाम ले लोगे तो बहुत चांस है कि वो समझ जाएगा कि आपको इसका सही पता है। इसको टर्मिनोलॉजी में पिवट एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जो सबसे कॉर्नर वाला एलिमेंट होता है। भले इधर वाला कॉर्नर ले लो या उधर वाला ले लो, हम इसको अब एक मन बना लेंगे कि हम इधर वाला ही कॉर्नर वाला मानेंगे। कोई भी चूज कर सकते हैं, हाँ, कोई भी रख सकते हो, पर हम यूजुअली लास्ट वाला रखेंगे। हाँ, लेकिन हम लेफ्ट वाला रखेंगे तो एल्गोरिथम इजी हो जाता है। हाँ, इजी होगा उसे इंप्लीमेंटेशन। ये पिवट एलिमेंट है, इसमें ये मेरी एरे है। ऑब्जेक्टिव इसमें ये होगा कि मेरे को ये ढूंढना कि इस एरे में ये एलिमेंट फाइनली कहां पे जाएगा। अगर ये सॉर्ट हो जाती है, एरे जैसे ही सॉर्ट हो जाती है, उस वक्त ये एलिमेंट कहां होगा। अगर मैं ये पहले ढूंढ पाऊं, इस एल्गोरिथम का वो है स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी पोजीशन ढूंढना। अब आप कहोगे अरे जब सॉर्ट ही नहीं करी, मुर्गी पहले आए अंडा पहले आए, जब सॉर्ट ही नहीं करी तो इसकी पोजीशन कैसे जानोगे। अगर पोजीशन ही जान ली तो आपको सॉर्ट करने की क्या जरूरत है फिर तो वैसी। लेकिन जिन्होंने ये एल्गोरिथम सोचा होगा, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था कि आप पूरी एरे को सॉर्ट कर पाओ या ना पाओ, लेकिन एक पिवट एलिमेंट का लोकेशन आप जान सकते हो कि वो कहां पे जाएगा। उसको समझ गए आप तो आप एल्गोरिथम समझ गए। मैं बताऊं तो बेटर है, देखो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के आगे से, यानी कि उसको छोड़ के अगली तरफ से, जो पहला पॉइंट है वहां पे हम एक लेफ्ट मार्क रख लेंगे और लास्ट वाले पे राइट मार्क रख लेंगे। मतलब दो वेरिएबल बना लेंगे, एक वेरिएबल इसका इंडेक्स स्टोर करेगा जो कि 1 है, एक इसका इंडेक्स स्टोर करेगा जो कि इस वक्त 4 है। क्या कहते हो? अच्छा, तीन स्टेप होंगे। पहला स्टेप कि अगर ये लेफ्ट वाला बड़ा है, अगर ये लेफ्ट वाला बड़ा है और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो मैं पहला तो ये करूंगा कि मेरे को पता है कि ये वाला इधर तो हो ही नहीं सकता। अगर ये बड़ा है और वो छोटा है तो स्वाभाविक बात है कि कम से कम इतना श्योर है कि ये यहां नहीं है, वो इस तरफ जरूर हो सकता है कहीं ना कहीं, तो इनको स्वैप करो। पहला स्टेप यही होगा कि कोई आया है, अब चांस कम है। ये है कि आप अगर ये वाला एलिमेंट आपका बड़ा निकल गया और ये छोटा है तो इनकी स्वैपिंग कर दो ताकि छोटे वाला इधर आ ही जाए। पहला स्टेप। दूसरा कि अब आप ये कंपेयर करो कि जो लेफ्ट मार्क पे एलिमेंट है, जरूरी नहीं कि उस वक्त 2 ही हो सकता है उधर छोटा होता तो वो यहां होता, कि लेफ्ट मार्क पे जो एलिमेंट है अगर वो इससे छोटा है। हाँ, अगर वो पिवट एलिमेंट से छोटा है, अगर वो पिवट एलिमेंट से छोटा है तो हम ये समझ जाएंगे कि जो -1 है वो यहां पे तो हो नहीं सकता, वो उसके राइट साइड पे ही होगा। तो आप लेफ्ट मार्क को एक स्टेप आगे बढ़ा दो। बिल्कुल पॉसिबल बात कह रहा हूं कि
कि अगर आपका एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है, अगर आपका पिवट एलिमेंट इससे बड़ा है तो वो तो यहीं कहीं आएगा ना, दाईं तरफ आएगा। तो आप लेफ्ट मार्क को यहां से हटा के यहां ले आओगे। अगर ये भी बड़ा है, अगर ये भी छोटा है तो आप इसको और आगे कर दोगे। देखो आपका लेफ्ट मार्क यहां है, स्वैपिंग स्वैपिंग कर चुके हो, अब आप ये माइनस वन को कंपेयर करोगे दो के साथ। अगर माइनस वन दो से बड़ा है तो लेफ्ट मार्क को आप वहां ले जाओगे, आप कहोगे यार ये यहां तो हो ही नहीं सकता आपका वो पिवट एलिमेंट का पोजीशन। कैसे होगा, सॉर्ट असेंडिंग कर रहे हो, सॉर्ट असेंडिंग कर रहे हो। अगर ये एलिमेंट भी उससे छोटा है पिवट एलिमेंट से, तो आप फिर कंफर्म हो कि असेंडिंग कर रहे हो, तो वो अगर बड़ा है तो वो यहां नहीं होगा, तो आप पिवट एलिमेंट को आगे, अपने लेफ्ट मार्क को आगे ले जाओगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको यहां पे एलिमेंट वो बड़ा मिल गया जो उससे बड़ा है, तो अब आप इसको आगे, अब आपको पता है कि कम से कम जो लोकेशन है वो इससे इधर नहीं है, इससे परे है। क्या कहते हो, क्या कहते हो? आप मतलब अपनी जो लोकेशन है उधर लेफ्ट मार्क को तब तक आगे सरकाते जा रहे हो जब तक आपको अपने पिवट एलिमेंट से छोटे मिल रहे हैं। नहीं, एक्सचेंज करना नहीं, एक्सचेंज तो फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं आप, लेफ्ट और राइट को। नहीं, सिर्फ लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट मार्क और राइट मार्क को एक्सचेंज कर चुके हो शुरू में, तो छोटे वाला इधर आ गया है। अब गारंटी है कि वो छोटे वाला इधर आया है तो काफी चांस है कि आपको पता है कि वो होना इधर ही था। तो अब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट मार्क पे देख रहे हो कि ये वाला जो अब लेफ्ट मार्क के एलिमेंट है वो इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर वो छोटा है तो आपको पता है कि लेफ्ट मार्क से उधर होगा, वो पोजीशन उसका उधर होगा। पिवट और इसी को स्वैप नहीं करना, आपने स्वैपिंग सिर्फ लेफ्ट और राइट की एक बार करनी है बस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप उसको स्वैप नहीं करोगे, लेफ्ट मार्क और राइट मार्क नहीं, नहीं आप स्वैप नहीं कर रहे, आप सॉरी सॉर्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ ढूंढ रहे हो कि इसका पोजीशन कहां जाएगा। आपने लेफ्ट और राइट मार्क रख लिए, आपने उनको इसलिए स्वैप कर लिया क्योंकि आपको वैसे पता है कि कम से कम ये तो मैं इतना काम तो निपटा लूं, क्योंकि इनका पोजीशन तो ऐसे होने वाला ही है, वैसे तो होगा नहीं, रहेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ होगा। वो आपको क्यों कर रहे हो मैं दो मिनट में बता दूंगा, अभी वापिस आऊंगा तो क्लियर भी हो जाएगा। आपने ऐसे स्वैप मार लिया, वो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप कह लो। अब आपने राइट को भूल गए, आप लेफ्ट से देखना शुरू करा आपने कि अगर आपका पिवट लेफ्ट वाले से छोटा है, बड़ा है, तो नेचुरल है लेफ्ट मार्क की दाईं तरफ होगा उसका पोजीशन। ये जो आपका है ना, एक मिनट जरा मैं इसको आपको वहां बताता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर, ये बात क्लियर है अभी। इसको एक एग्जांपल से मैं कोशिश कर लेता हूं आपको समझाने की, कि ऐसा करो एलिमेंट ऐसे रखो, छह से छोटा तीन, तीन से बड़ा सात, सात से छोटा दो, दो से बड़ा नौ, ताकि मिक्स्ड से मैंने कर लिए। ये पिवट है, ठीक है, ये लेफ्ट मार्क और ये है राइट मार्क। अब लेफ्ट, पहले इनको आपस में स्वैप कर लो, जरूरत नहीं है, ये मतलब तीन तो छोटा ही है, अब तीन छह से छोटा है तो इसको आप एल को यहां ले जाओ, सात बड़ा है एल रुक गया यहां पे, उधर नौ बड़ा है तो इसको हटा के दो पे ले आओ। अब दो उससे छोटा है और सात बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां पे डेडलॉक हो गया। अब मैं इनको स्वैप मार दूंगा आपस में, दो इधर ले आया, सात इधर ले आया, अब क्या होगा,
दो छोटा है तो एल इधर आएगा, सात बड़ा है आर इधर आ गया, क्रॉस कर गए। जहां पे ये क्रॉस कर गए वहां पे ये जो राइट मार्क के अगली पोजीशन है यहां, ये फाइनली यहां आएगा। तो अब आपके पास दो एरे बन गई, एक परली तरफ वाली वो एक ही एलिमेंट की है वो सॉर्टेड है, और इधर आपकी जो तीन वाली एरे बनी इसमें अब पिवट एलिमेंट कौन सा है? यहां पे क्या था, सात था ना, सात को यहां पे दो था क्योंकि सात और दो स्वैप कर चुका हूं ना मैं, तो मतलब इसको करके देख लेना, मतलब कि ये मतलब उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, कॉपी पे करोगे तो चल ही जाएगा ये, क्योंकि ये अरे थोड़ी छोटी है। चलाऊं इसके प्रोग्राम को, सो डेडलॉक ब्रेक करते हो, स्वैपिंग एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट एंड राइट मार्क्स, मूव लेफ्ट मार्क टिल एन एलिमेंट ग्रेटर देन पिवट इज फाउंड, मूव राइट मार्क लाइकवाइज। ये उसके तीन स्टेप्स जो मैं आप यहां पे रिपीट कर दिए। तो सबसे पहले आप एक क्लास बना ही लो, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड सी एस स्टूडियो, क्लास सी क्विक सॉर्ट, और आप कंस्ट्रक्टर तक बना के जल्दी से बना के बैठ जाओ। हो गया कंपाइल। उसके बाद ये दो पब्लिक फंक्शन उसी क्लास में ऐड कर लें, ये दो पब्लिक फंक्शन आप उसी क्लास में ऐड कर लें। अच्छा, इसके बाद आप ये एक प्राइवेट फंक्शन ऐड कर लो स्वैप के लिए, अब हमने ये इसको समझने की कोशिश करें, मुझे पिवट एलिमेंट की लोकेशन चाहिए, उसके लिए फंक्शन बनेगा, फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स लोकेशन इंट, ठीक हो गया ना, इंट गेट पिवट लोकेशन फंक्शन बना लिया। इसमें वो कह रहा है कि कहां से ढूंढना है और कहां तक जाना है, आपकी एरे है ये, आप ढूंढना शुरू यहां से करेंगे और रुकेंगे यहां पे, ये फ्रॉम इंडेक्स हो गया, ये एंड इंडेक्स हो गया या टू इंडेक्स हो गया, लेकिन जब एरे को मैं तोड़ दूंगा इतने छोटे छोटे भागों में तो फ्रॉम इंडेक्स यहां का ये हो जाएगा, एंड कुछ होगा, इसका फ्रॉम कुछ होगा, इसका एंड कुछ होगा, इसलिए पैरामीटर बना लिए हमने फ्रॉम इंडेक्स और टू इंडेक्स को। अब पिवट एलिमेंट कौन सा है, ए आर आर फ्रॉम इंडेक्स, ये फ्रॉम इंडेक्स आप इसे इसे मान लें, ठीक है ना, पिवट एलिमेंट कौन सा है, ए आर आर फ्रॉम इंडेक्स पे, जहां से आप एरे को शुरू कर रहे हैं शुरू में जीरो होगा और लास्ट वाला फोर होगा, तो जो जीरोथ एलिमेंट है वो पिवट एलिमेंट है। यही एरे जब आपकी ये बड़ी सौ एलिमेंट की एरे है, पिवट आपको 75 पे मिला, तो आपकी ये एरे कहां तक जाएगी, जीरो से 74, 76 से लेकर 99 तक, तो पिवट एलिमेंट उसका 76 होगा, उसका जीरो पे होगा, सो ए आर आर 76 या ए आर आर जीरो। लेफ्ट मार्क विल बी फ्रॉम इंडेक्स प्लस वन और राइट मार्क विल बी टू इंडेक्स, ये बात सही हो गई। इसके बाद हम एक लूप चलाते हैं, ये क्या करती है आपको समझना ही पड़ेगा, इफ राइट मार्क इज लेफ्ट देन लेस्ट लेस देन लेस्ट लेफ्ट मार्क, अगर राइट मार्क लेफ्ट मार्क के इस तरफ निकल गया है, वो भाग रहे हैं ना दूसरी की तरफ, तो स्वैप कर दो राइट मार्क और फ्रॉम इंडेक्स को, यानी कि पिवट एलिमेंट को और राइट मार्क को स्वैप कर दो और रिटर्न राइट मार्क, जो राइट मार्क है वो ही उसकी पोजीशन है पिवट एलिमेंट की। मतलब बताने में थोड़ा सा मैं वैसे कर गया था, पर एक्चुअली क्या है कि अगर आप ये उसका मतलब थोड़ा प्लस माइनस रह जाता है, पर ये है सीन, मतलब कि आपका ये एरे है, यहां पे राइट मार्क इधर को आ रहा है, लेफ्ट मार्क एक एक टाइम आएगा जब राइट मार्क यहां आ गया, लेफ्ट यहां आ गया, तो ये जो राइट मार्क है ये उसकी पोजीशन है, रिटर्न राइट मार्क और स्वैप कर, पोजीशन देने से पहले उसको स्वैप मार दो, पोजीशन उसको सेट कर दो। अच्छा, इफ
अगर ए आर आर राइट मार्क इज लेस देन लेफ्ट मार्क, वो जो मैंने बताया था डेडलॉक तोड़ने वाला, तो उस टाइम आप इनको स्वैप कर दो, छोटा एलिमेंट इधर ले और बड़ा उधर ले जाओ, ये वो डेडलॉक ब्रेक कर रहा है। व्हाइल पिवट एलिमेंट इज मोर देन और इक्वल टू लेफ्ट मार्क, जब तक पिवट एलिमेंट लेफ्ट मार्क वाले एलिमेंट से बड़ा है तब तक लेफ्ट मार्क को उधर बढ़ाते रहो, और व्हाइल पिवट एलिमेंट इज लेस देन राइट मार्क वाले पे राइट मार्क को घटाते रहो। ये एरे है आपकी, ये मतलब ये सीन है जो चलता रहेगा, और ये खत्म कब होगी, जब आपके दोनों क्रॉस ओवर कर जाएंगे। ये उसकी एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपको अपने आप को भी समझाना पड़ेगा, पर स्टेप सारे इसमें हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये क्रॉसिंग जब हो जाए, ये डेडलॉक तोड़ने वाला है, वो लेफ्ट को उधर सरकाने वाला और वो राइट को इधर सरकाने वाला। इसको आप एक बार लिख लें, ये वाला फंक्शन बना लें। ये व्हाइल लूप जो है इसके ब्रैकेट का जरूर ख्याल रखना, ये आप यहां से बनाना शुरू करें, पहले यहां तक पहुंचो, फिर मैं इसको आगे एक्सपोज करता हूं। यहां पे आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा, लेट मी मूव फर्दर। अच्छा, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाना है डू क्विक सॉर्ट। ये फंक्शन कह रहा है कि कहां से कहां तक सॉर्ट करना है आपने एरे को भी। एरे, ये आपकी एरे है, ये हाँ ये आपकी पूरी एरे है, ये बता रहा है कि उस एरे को कहां से कहां तक सॉर्ट करना है। जो ऊपर फंक्शन बनाया है वो कह रहा है कि कहां से कहां तक आपने पिवट ढूंढना है। अब अगर फ्रॉम मोर देन और इक्वल टू टू है, ये को ये फ्रॉम टू तो अलग होंगे ना, जैसे इसका पार्टीशन आपने ये कर दिया, एक उधर पार्टीशन है, एक इसके फर्दर पार्टीशन हो गए, फ्रॉम और टू भी अलग अलग होंगे ना, आप छोटे छोटे सेगमेंट्स को भी तो सॉर्ट कर रहे हो। पहले आपने बड़े पे एल्गोरिथम लगाया, उसने पिवट की लोकेशन दे दी, आपने उसको तोड़ दिया दो में, अब वही एल्गोरिथम छोटे वाले पे लगेगा, विच मीन्स आप बड़ी एरे को सॉर्ट कर रहे हो, वो एल्गोरिथम छोटी एरे को भी सॉर्ट करोगे, उसी से उस छोटी को भी करोगे। अगर स्पेसिफिकेशन में फ्रॉम और टू में गड़बड़ हो गई, फ्रॉम मोर देन और इक्वल टू टू है तो आप रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज अब देखें, गेट पार्ट इंट पार्टीशन इंडेक्स इज इक्वल टू गेट पिवट लॉक फ्रॉम टू, जहां जितनी एरे को आप सॉर्ट कर रहे हो इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक, यहां से यहां तक आप पिवट एलिमेंट की लोकेशन ढूंढो, वो फंक्शन ऊपर वाला काम आएगा, उसने मुझे पिवट की लोकेशन दे दी, दिस इज द पार्टीशन इंडेक्स। अब मैं यही एल्गोरिथम अपना क्विक सॉर्ट वाला फ्रॉम से लेके पार्टीशन इंडेक्स माइनस वन, और यही एल्गोरिथम पार्टीशन इंडेक्स प्लस वन से लेके टू तक, ये दो, इसको कहते हैं हम रिकर्जन। अब ये रिकर्जन कैसे चल रही है, क्या चलती है, ये विचार करना बहुत मुश्किल होता है, पर इसका जो प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल मीनिंग वो है कि आपने पार्टीशन इंडेक्स इस एरे में निकाल लिया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक फ्रॉम से लेके यहां तक, एक यहां से आगे, और यही एल्गोरिथम आपने उन दोनों भागों पे दौड़ा दिया, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा। इसको आप अभी एक बार लिख लें, इसको अब मैं इसका समरी कर दूं। आपने इस क्लास में एक तो एरे रख रखी है, ठीक है ना, एक तो आपने एरे रख रखी है, उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया गेट पिवट लोकेशन, अब बनाया आपने डू क्विक सॉर्ट। ये डू क्विक सॉर्ट उस फंक्शन को एक बार कॉल करके पिवट एलिमेंट की लोकेशन ले लेगा, उस बाहर वाली एरे को दो भागों में तोड़ेगा, फिर उन पे फिर एल्गोरिथम दौड़ाना शुरू कर देगा। यहां तक ये हुआ है। अब डू क्विक सॉर्ट को फायर करने के लिए एक पब्लिक फंक्शन बना दिया स्टार्ट सॉर्टिंग, ये डू क्विक सॉर्ट को फायर कर देगा जीरो से लेके एंड तक, वो आगे तोड़ने तोड़ने का काम शुरू कर देगा। अब आप इसको कंप्लीट कर लो जरा, ये पब्लिक जोड़ लेना बस एक, और ये वाला चला के आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए, इसको पूरा कर लें आप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।